सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप स्टडी क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, हम करा रहे हैं आपका एचसीएफ एंड एलसीएम और उसी सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज आपके लेक्चर नंबर लेकर आए हैं 13। ठीक है, ये लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला आपका 13। इससे पहले आपके 12 तक हो चुके हैं, ठीक है, और ये 13वां लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहना और इसमें देखना है आपको को 43 से लेके हम 45 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यानी इससे पहले जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं वो 42 तक आपके कर चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जो छुट गए हैं आपके। अगर आपके छुट गए हैं तो आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब में जाकर चैनल का नाम सर्च कर लेना है, बेसिक टू टॉप स्टडी, ये मीनिंग लिखी हुई है। ठीक है, और वहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करना और प्ले लिस्ट में जाकर के आप इन वीडियो को सभी को देख सकते हो। वहाँ एचसीएफ एंड एलसीएम की एक प्ले लिस्ट बनी होगी, वहां पे जाकर आप इन्हें चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहना, आप बहुत अच्छे कंसेप्ट होने वाले हैं। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन को पहले हम अच्छे तरीके से समझेंगे उसके बाद इसका हम आंसर देंगे। ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति के पास कुछ सेब है। क्या है? कुछ उसके पास सेब है, यानी कुछ उसके पास एप्पल है। यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को एक एक करके प्रत्येक व्यक्ति को वह 6 या 8 क्या 6 या 8 सेब देता है, 6 देता है या 8 देता है प्रत्येक को, तो क्या करता है, उसके पास 4 सेब बच जाते हैं। कितने बच जाते हैं? 4 सेब उसके पास बच जाते हैं। यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को 10 या 12 सेब दे, ठीक है, 10 या 12 सेब बांटे, तो उसके पास फिर से 4 सेब बच जाते हैं। कितने? 4 सेब ही बच रहे हैं। चाहे वह 6 दे या 8 दे फिर भी 4 सेब, या वह 10 दे या 12 दे फिर भी वह 4 सेब ही बच रहे हैं। यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को 15 या 16 सेब दे, 15 दे या 16 दे फिर भी उसके पास कितने? 4 सेब ही बच रहे हैं। हर कंडीशन में इन तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है वो। अगर 6 या 8 देगा वह तो भी उसे 4 सेब बचेंगे, या वह 10 या 12 देगा फिर भी उसके पास 4 सेब बचेंगे, या वह 15 या 16 में देगा फिर भी उसके पास 4 सेब बचेंगे। तो हर कंडीशन में 4 सेब बच रहे हैं। उसके पास कम से कम कितने सेब हैं? उसके पास कम से कम कितने सेब हैं तो हमें ये निकालना है। तो अब क्या करना है, आपको इन सब का एलसीएम ले लेना है, इन सब का जो वो है बांट रहा है। ठीक है, तो क्या क्या बांट रहा है, 6, 8 फिर दे रहा है 10, 12 फिर है 15 और 16 ठीक है, 15 और 16 इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, आप देखिए एलसीएम निकालेंगे तो पहले मैंने इसे 2 से काटा, 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 15 तो कटेगा ही 2 से, 2 8 16 ठीक है। फिर से मैं 2 से काटता हूँ तो 2 से काटा तो 3 तो नहीं कटता, 2 से 2 3 4 5 नहीं कटेगा, 2 3 6 ठीक है, 15 नहीं कटेगा, फिर 2 4 8 फिर मैं इसे 2 से काट देता हूँ, 2 से काटूंगा तो कितना कटेगा, 3 तो 3 ही रहेगा, 2 1 2 और ये 5 का 5 ही, 3 का 3 ही और 15 का 15 ही रहेगा, 2 2 4 फिर ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, 2 से फिर काटते हैं, 3 तो 3 ही रहेगा, 1 5 का 5 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा और ये आपका 15 का 15 ही रहेगा और 2 1 2 ठीक है। अब इसे हम किससे काटेंगे, तो अब हम इसे 3 से काटेंगे। ठीक है, 3 1 5 3 15 और 1 ठीक है, अब इसे हम 3 से काट रहे हैं, 3 1 3 1 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है, और 3 1 3 3 15 अब फिर से मैं 5 से काट देता हूँ, 5 से तो 1 1 1 1 और 1 इस तरीके से कट गया आपका। ठीक है, अब देखिए कितना आएगा एलसीएम, 5 15 15 दूनी 30 30 दूनी 60 60 दूनी 120 120 दूनी 240 एलसीएम कितना आया, तो एलसीएम आपका आ गया, एलसीएम की बात की जाए 240 कितना 240। अब 240 ऐसी संख्या होगी कि जिसमें हम भाग देंगे तो ये क्या होगा, पूर्णतः भागित हो जाएगी, चाहे हम 6 से दें, 8 से दें, 10 से दें, 12 से दें, 15 से दें या 16 से दें, पर हमें 4 शेष बचाना हर स्थिति में। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, तो रिक्वायर्ड नंबर की बात की जाए तो 240 में हमें
चार जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो गया 244। अब इसमें आप किसी से भी भाग दे दीजिए, हर स्थिति में आपका चार शेष बचेगा, चाहे आप 6 से दें, 8 से दें, 10 से दें, 12 से दें, या आप 15 से दें, या आप 16 से दें। देख लो, 6 से दोगे 6 को 24, ठीक है, फिर भी चार बच जाएगा। 8 से दोगे 8 के 24, फिर भी चार बच जाएगा। 10 से दोगे फिर भी चार बचेगा। 12 से दोगे फिर भी चार बचेगा। 15 से दोगे फिर भी बचेगा। आप नहीं मानो तो आप देख लेना, हर स्थिति में आपका चार शेष बचेगा, यानी रिक्वायर्ड नंबर इज 244 नंबर हो गया आपका, ठीक है। तो 244 हो गया, ये आपका रिक्वायर्ड नंबर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, आपने सुधार लिया होगा। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इधर से हम ऊपर से इस क्वेश्चन को भी मिटा देंगे, जिससे कि हमारे पास और ज्यादा स्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं रफ कर देता हूँ। तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिया, आपको क्या निकालना है, आपको पहले इसका एलसीएम निकाल लेना है, इन सब का जो आपका वो बचा दे रहा है, बांट रहा है, ठीक है, और जो बच रहा है उसे आपको एलसीएम में जोड़ देना है बाद में ले जाके, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस 43 क्वेश्चन को आसानी से डिस्कस कर सकते हो। अगर कहीं भी समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत होती है, तो आप हमें पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आपके लिए बुला होता है कमेंट बॉक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन आसानी से समझेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, और आपको इसका कंसेप्ट, बेस कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसकी, कि आप इन क्वेश्चनों को कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों को समझने के लिए हमें पहले इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। देखिए, तो क्वेश्चन 44 क्या कह रहा है, कि किन्हीं दो संख्याओं का जो एचसीएफ है, जो एचसीएफ है वो निकाला जाता है, एचसीएफ क्या किया जाता है, निकाला जाता है, तो ऊपर से नीचे जाने पर, कहां से, ऊपर से नीचे जाने पर, इस तरीके से, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर भागफल जो होता है, भागफल क्रम से कितना कितना आता है, 2 फिर 2 और फिर आता आपका 3, ये भागफल आपके आते हैं, प्राप्त होते हैं, तथा अंतिम भाजक, जो अंतिम में भाजक मिलता है वो हमें 10 मिलता है, तो संख्या क्या होगी, ठीक है। तो आपने भाग विधि से एचसीएफ निकाला होगा, ठीक है। अब जो भाग विधि से एचसीएफ निकालते हैं, वही ये सवाल है पूरा, ठीक है। कैसे निकालते हैं, तो देखो कैसे किया जाता है, इस प्रकार से हमें जैसे बनाया जाता है, इस तरीके से हम भाग देते हैं संख्या में, ठीक है। फिर यहाँ पे जो शेष बच जाता है वो यहाँ पे इस तरीके से फिर करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम तीसरा इधर से बनाते हैं, इस तरीके से भाग देते हुए चले जाते हैं। अब यहाँ जो भाजक है, जो भाजक है वो लास्ट में कितना बचता है, 10 बचता है, 10। तो भाजक कौन होता है, भाग देने वाला, कौन होता है, भाग देने वाला भाजक, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक संख्या आएगी, संख्या आएगी जो क्या कहलाएगी, भाज्य। उसके बाद यहाँ पर एक कोई संख्या आएगी, और उसके बाद यहाँ आएगा कितना, 0। क्या आएगा, 0, क्योंकि यहाँ सिस्टम तो हमें नहीं दिया हुआ है। फिर हमें देखिए, ये अगर इस संख्या में भाजक निकालनी है, भाज्य निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं, इस 10 का आपको मल्टीपल करना होता है, इसमें 10 × 30, और शेषफल आपको जोड़ना होता है, शेषफल तो 0 है, तो संख्या ये कितनी हो गई, x वाली 30, कितनी, 30 हो गई, ठीक है। अब ये 30 हो गई, अब ये संख्या कब आती है, ये संख्या इधर भाजक का काम कर रही होती है, वही संख्या को हम यहाँ उतार लेते हैं, अगर आपने भाग विधि से एचसीएफ सीखा हुआ तो आपको पता होगा, ठीक है। अब ये तो यहाँ क्या है, ये किसका काम करेगा, शेषफल का काम करेगा, ऊपर की साइड पे चल रहे हैं इस तरीके से, ठीक है हम लोग। तो अब देखिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 30 × 60, और 60 और 10 कितना हो जाएगा, 70, तो 70 यहाँ क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा 70। अब यही जो भाज्य है, यह ऊपर चले के क्या बनेगा, भाजक बनेगा, भाजक, ठीक है। अब ये 70 × 140, और ये क्या है, 30, ये शेषफल है ऊपर के लिए, 140 और 30 कितना हो जाएगा, 170। तो रिक्वायर्ड नंबर यानी भाज्य कितना निकल के आएगा, जो स्टार्टिंग में था वो मेरा 170 निकल के आएगा। अब देखिए, आपको इधर से समझ में नहीं आया है, आ गया होगा, पहली बात तो होता कैसे है, देखिए ऐसा होता है कि 170 यहाँ पे आपका दिया हुआ है, 170, और आपको इसमें भाग लगाना है कितने का, 70 का, यानी अब आपको एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 70 × 140, ठीक है, 140 कितना बच गया, 30, ठीक है। अब ये 30 है, ये भाग लगाएगा किसमें, तो यहाँ क्या आएगा, तो ये वाला नंबर यहाँ आता है, कितना, 70, यानी जो ये भाजक होता है, भाजक, ठीक है, वो किसका काम करने लगता है, भाज्य का काम करने लगता है, ये क्या कहलाता है, भाज्य, ठीक है।
ठीक है, ये भाती का काम करने लगता है। 70 हो गया तो 30 दूनी 60, ठीक है 60 रख दिया हमने, तो यहाँ पे कितना बचा 10, ठीक है। अब ये 10 है, 10 किस में भाग लगाएगा, तो ये 30 में भाग लगाएगा, ठीक है। तो 10 दिए 30, इस तरीके से आपको कैंसिल हो जाता है, इस तरीके से आपका ये होता है। तो हमें नीचे से ऊपर की साइड पे जाना था। अब शॉर्ट कैसे करना है देखिए, तो देखिए ऐसे आप शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए शॉर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं, थोड़ा सा नियम समझना है बस आपको हो जाएगा। ऐसे आपको फॉर्मूला मालूम है इसका क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भागफल प्लस क्या होता है, प्लस में होता है शेषफल, क्या शेषफल, ठीक है। तो यही आपको सूत्र लगाना है और आपको आसानी से निकाल लेना, ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपको भाजक क्या दिए हुए हैं, तो पहले दिया है 2 फिर 2 फिर 3, पर हम अब चलेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हम नीचे से लिखकर चलेंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे हम भाज्य निकालेंगे यानी संख्या, तो भाज्य निकालेंगे, तो यहाँ पे जो हमें दिया है भाजक, भाजक लास्ट में कितना दिया था, तो भाजक लास्ट में दिया था 10, ठीक है 10, तो 10 रख लिया। और यहाँ पे भागफल कितना दिया लास्ट में, तो 3 दिया है, 3 लिख दिया, प्लस में 0 शेषफल है, हमें नहीं मालूम कितना, तो कितना आ गया मेरा 30, कितना 30। अब हम कौन से पद पर आ गए, तो यहाँ पर आ गए हम 30 पर, ठीक है। अब 30 पे आ गए, अब फिर हम निकालेंगे संख्या, तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक। अब भाजक कौन सी संख्या हो जाएगी, तो भाजक ये वाली संख्या बन जाएगी, मैंने कहा था यही भाजक वाली संख्या बन जाएगी, देखिए बनी है यहाँ पे, भाजक वाली संख्या कितना बन जाएगी, जो आपकी संख्या निकल के आएगी वो भाजक बन जाएगी। अब भाजक बन जाएगी कितनी हो गई, 30 हो गई। और भागफल आपको दिया हुआ है दूसरे नंबर पे, कितना 2 दिया हुआ है, 2 दिया है, और यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह लगाओ यहाँ, प्लस, अब प्लस में शेषफल कौन बनेगा, तो शेषफल में कौन बनेगा, ये 10 वाला कैंडिडेट बनेगा, ये 10 वाला, ठीक है, शेषफल कौन 10 वाला, तो 10 जोड़ दिया इधर से, तो कितना आ जाएगा आपका, तो 30 गुणी 60 और 10 कितना हो गया, 70 हो गया, ठीक है। अभी जो भाज्य है फिर से भाजक बन जाएगी, क्या बन जाएगी, भाजक। तो भाज्य बराबर अब की बार संख्या निकलेगी पूरी, भाज्य बराबर क्या होगी, तो यहाँ पे 70 क्या हो गई, भाजक हो गई, ठीक है। और यहाँ पे जो भागफल होगा वो कितना अब की बार, 2 भागफल, ठीक है, 2 भागफल हो गया, प्लस में रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर में कौन होगा, ये वाली संख्या जो हमारी क्या बनी थी, भाजक बनी थी, वो रिमाइंडर बन जाएगी 30, ठीक है। तो संख्या कितनी आ जाएगी, तो 70 गुणी 140 और 30 कितना, 170, तो यही संख्या आ जाएगी आपकी। तो इस तरीके से इसी पद पर आप आ जाओगे, तो इन नियम को फॉलो करके भी आप आगे पहुंच सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन है, चलो लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि जब किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तो ऊपर से नीचे भागफल, ऊपर से नीचे क्या दिया है, भागफल दिया है, इसी समान है, अगली बार आपको 4 भागफल दे दिए प्राप्त होते हैं, तो अंतिम भाजक दिया है कितना, 35 अंतिम भाजक दे दिया है, तो संख्या आपसे पूछी है कि संख्या क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक अलग से लिख देता हूँ भागफल, ठीक है, भागफल, जिससे कि हमें मालूम पड़ जाएगा हमें कैसे लिखने हैं। तो कैसे, तो 2 फिर आपका 2 फिर आपका 1 फिर आपका 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऊपर की साइड से चलना है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हम भी चलते हैं इसमें, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भाज्य, क्या भाज्य बराबर, अब भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, पहले हमें भाजक रखना पड़ेगा, भाजक, तो भाजक कितना दिया 35, कितना 35 गुणा में भागफल, भागफल कितना लिए 3 ले लिया, 3 नीचे से लेके चलेंगे, और शेषफल हमको नहीं मालूम, 0 है शेषफल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 35 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 15, ठीक है, और 3 9 10 कितना आ गया, 105, तो भाज्य कितना आ गया, 105। अब की बार हम इसे भाज्य निकालेंगे, ठीक है, ऊपर की साइड पे चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भाजक का काम कौन करेगा, तो मैंने कहा था ये भाजक का काम करेगा, तो 105 भाजक का काम करने लगा, भागफल क्या दिया हुआ है, 1, ठीक है, तो 1 प्लस में शेषफल का काम कौन करेगा, तो मैंने कहा था ये 35 है जो पहले आपका भाजक का काम कर रहा था, अब वो शेषफल का काम करेगा, तो यहाँ पे हमने 35 जोड़ दिया, कितना निकल के आया, तो 105 और ये 35 हो जाएगा, तो 140 हो जाएगा, ठीक है, 140 संख्या निकल आई। अब की बात फिर चलते हैं आगे, ठीक है, तो भाज्य पर निकालेंगे,
भाज बराबर क्या हो गया आपका, अब क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो भाजकता काम क्या निकलने का 140 करने लगेगा भाजकता काम। भागफल आपको दिया हुआ है कितना, दो दिया है, दो प्लस में शेषफल का काम कौन करेगा, तो मैंने बताया था ये जो जो पहले भाजकता काम कर रहा था वो अब आपका शेषफल का काम करेगा यानी 105। अब इसे कर लेते हैं तो 140 280 हो गया, और 280 में 105 जोड़ दो, 280 में 105 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो 280 और हमने 105 जोड़ दिया। ठीक है, देखिए 5 तो 5 आ गया आपका, ठीक है, उसके बाद 8 का 8 आ गया, और यहां से आपका 1 और 2 3 यानी 385। ठीक है, 385 आ गया। अब फिर भाज्य निकालना, आपको भाज्य निकालना है, तो भाज्य बराबर कितना आ जाएगा, तो 385 ले लेंगे यहाँ पे, 385 इंटू में भागफल, भागफल में कौन आएगा अपनी बार, 2 प्लस शेषफल का काम कौन करेगा, तो 140 काम करेगा, 140। ठीक है, अब यही निकाल लीजिए आपका आंसर हो जाएगा, तो इसका 2 का गुणा कर देता हूँ मैं इसमें, तो 2 का 5 दूनी 10 और 2 से 16 17 और 2 3 6 और 1 7, 770 हो गया, और इसमें हम 140 जोड़ देंगे, यही संख्या निकल के आई है। ठीक है, 0 7 4 11 और 7 और 1 8 और 1 9, तो कितना आ गया 910। इस तरीके से ये संख्या आपकी निकल जाएगी, ये आपका सॉल्व मेथड है, अगर आप समझ गए तो यहाँ पे ये सॉल्व मेथड है आपका। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ लेना। इस वीडियो में रहने देना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, थैंक यू।